सीएम द्वारा मंत्री ने किया जायजा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिजनौर दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। आज प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और परिवहन मंत्री अशोक कटियार, सदर विधायक पति मोहसिन चौधरी ने लिया सभा स्थल का जायजा। जिला प्रशासन के तमाम अफसर भी रहे मौजूद। 21 सितंबर को योगी आदित्यनाथ मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करेंगे। पुलिस प्रशासन का अमला तेजी से तैयारियों में जुटा। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के सुनाहेरी इलाके का मामला। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले के दौरे शुरू कर दिए हैं। आगामी 21 सितंबर को यूपी सीएम बिजनौर जनपद के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम के दौरे को लेकर जिले भर का पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। आज सीएम योगी के आगामी दौरे को लेकर यूपी परिवहन मंत्री अशोक कटियार, जिले के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल और तमाम बीजेपी के नेताओं ने सभा स्थल का जायजा लिया। इतना ही नहीं, सीएम योगी जिले की जनता को मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे। डीएम और एसपी भी रहे मौजूद। सीएम योगी स्नेहड़ी में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का करेंगे शिलान्यास। सीएम योगी के दौरे को लेकर परिवहन मंत्री अशोक कटियार ने बताया कि सीएम योगी जिले के बड़ी सौगात देने के लिए आ रहे हैं और सभा स्थल की तैयारी का जायजा लिया गया। मंत्री जी, सीएम योगी जी का कार्यक्रम है 21 तारीख को, क्या क्या तैयारियां शुरू हो गई है और क्या कार्यक्रम है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का 21 तारीख को सुवाहेड़ी में एक कार्यक्रम है, उसके लिए आज हमारी योजना बैठक हुई और मैदान को देखकर हम सब लोग आए हैं और हम सब लोगों ने उसके लिए आगामी तैयारी की है। और हमारे मुरादाबाद मंडल के निवासियों के लिए, बिजनौर वासियों के लिए ये अत्यंत ही सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ एक राजकीय चिकित्सालय, एक राजकीय मेडिकल कॉलेज देने का सौगात देने का काम किया है और वो यहाँ आएंगे, इसका भूमि पूजन करेंगे और बिजनौर जिले को, मुरादाबाद मंडल को ये राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात देकर जाएंगे। निश्चित रूप से यहाँ जन सुविधाओं का, स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ होगा और मेरठ और मुरादाबाद जाने से, मुरादाबाद मेरठ और आगे जाने से बिजनौर की जनता बचेगी। सभा स्थल और हेलीपैड कहाँ कहाँ बन रहे हैं? देखिए, सभा स्थल सुवाहेड़ी में जहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जहाँ उसका भूमि पूजन होगा, वहीं सभा स्थल तय किया गया है और वहीं मुख्यमंत्री जी आएंगे।